तो दोस्तों चाइना में वीवो Z5 लॉन्च होने वाला है 31 जुलाई को और इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 712 का चिपसेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ट्रिपल ईयर कैमरा का सपोर्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास होने वाले स्मार्टफोन में और क्या होने वाली इसकी प्राइसिंग और इस स्मार्टफोन को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन ग्लॉसी डिजाइन देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला एक प्लास्टिक बॉडी के साथ। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरा मॉड्यूल की, तो यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल ईयर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। साथ ही में दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.38 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 712 का चिपसेट। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस होने वाला है आपको वीवो Z1 Pro की तरह देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4420 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला एक फास्ट चार्ज के सपोर्ट के साथ। और दोस्तों फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलने वाला है जो कि 18 वाट का होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की रैम वेरिएंट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3 रैम वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो बेस वेरिएंट होने वाला है उसकी प्राइसिंग होने वाला है 14,000 रुपीस के करीबन। तो दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है उसकी चाइना में प्राइसिंग होने वाला है 14,000 से 15,000 रुपीस के करीबन। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की लॉन्च इवेंट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को चाइना में 31 जुलाई को लॉन्च किया जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों इस स्मार्टफोन को एक महीना के अंदर इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो कि ऑलरेडी टीना पे और आपको गैजेट 360 के चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।